Realme एक के बाद एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, चाहे वो सी सीरीज के अंदर हो, वी सीरीज के अंदर हो, प्रो सीरीज के अंदर हो या नार्जो सीरीज के अंदर हो। अभी Realme C11 रिसेंटली लॉन्च हुआ था और उसके बाद सामने आया Realme C15 लॉन्च होने वाला है और ये लॉन्च भी हो चुका है इंडोनेशिया पे और अगस्त के महीने पे Realme C11 का सक्सेसर C15 आपको देखने को मिल जाएगा भारत में। कौन से प्राइस में आएगा वो तो मैं कहूंगा, पर यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है, Redmi 9 लगभग इसी प्राइस रेंज में आता है जिस प्राइस रेंज में ये लॉन्च होगा। Realme C11 भी है इससे कम प्राइस रेंज में, कौन सा बेटर है, Realme C15, Realme C11 या Redmi 9? मेरा नाम है सुमन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद। अभी अगर आप किसी भी प्रोडक्ट्स किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में खरीद रहे हो तो बाय हटके का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएगा, नंबर वन एडवांटेज। नंबर टू, यहाँ पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाएगा। नंबर थ्री, यहाँ पे आपको कूपन्स भी मिल जाएगा। और नंबर फोर, यहाँ पे आप प्राइस को भी चेक कर सकते हो, कितना अप्स हुआ है कितना डाउन्स हुआ है डे बाय डे। अभी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक एक्सटेंशन लिंक मैंने दे दिया है, अब जाइए उस एक्सटेंशन लिंक को आप कॉपी कीजिए, उसके बाद गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए और उसको बाय डिफॉल्ट ऐड कर दीजिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स परचेस करते हो तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा अप्लाई कूपन्स, और अब जब आप इस अप्लाई कूपन्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे वो मिंत्रा हो, चाहे वो एमेजॉन हो, चाहे वो गोआई वीवो हो, चाहे वो बिग बास्केट हो, हर एक जगह में आपको रेड बास हो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। आई कीजिए कूपन्स को। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो ग्रोसरीज तो भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप शूज वगैरह खरीदते हो डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कूपन्स मिल जाएगा। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, चाहे वो हेडफोन्स हो या चाहे वो पावर बैंक हो या कोई भी एक्सेसरीज, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। अप्लाई कूपन्स को क्लिक करने के बाद आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ में यहां पे आप प्राइस को भी चेक कर सकते हो, यानी हर एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में जो प्राइस पे आप वो प्रोडक्ट ले रहे हो, पहले उसका प्राइस कितना था, उससे पहले उसका प्राइस कितना था, कितना अप हुआ है कितना डाउन था, ये सब कुछ आप यहां पे चेक कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, Realme लॉन्च कर दिया है इंडोनेशिया पे Realme C15 और ये Realme C11 का सक्सेसर कहा जा रहा है, क्योंकि ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है। इसका जो लॉन्च डेट सामने निकल के आ चुका है, ये आपको अगस्त के महीने पे Realme की तरफ से ऑफिशियली भारत में देखने को मिल जाएगा। और इसका प्राइस कहा जा रहा है, अगर आप जो प्राइस में ये इंडोनेशिया पे लॉन्च हुआ है, लगभग 9000 के आसपास यहां पे प्राइस निकल के आता है जो इसका बेस वेरिएंट, और अपर वेरिएंट आपको मिल जाएगा 11000 के आसपास। अभी इसी प्राइस रेंज में आपको Redmi 9 भी देखने को मिल जाएगा, Redmi 9 आ रहा है और Realme C11 आपको 7499 रुपीस में मिलता है, तो बढ़िया कौन सा है। मैं आपको कहूंगा Realme C11 अगर आप लेना चाहते हो या लेने वाले हो तो रुक जाइए साहब, क्योंकि वो फोन उतना भी दमदार नहीं होगा। अगर आप कंपेयर करोगे Realme C15 के साथ, और जो Realme का C15 है वो कुछ कुछ मामलों में अच्छा है, तो चलिए यहां पे जो Realme C15, यहां पे आपको 6.5 इंचेस का एक HD+ डिस्प्ले मिलता है, वो भी Realme C11 में भी आपको मिलता है, और आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, पर यहां पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है और साथ में यहां पे वाटर ड्रॉप नॉच। तो मैं यहां पे कहूंगा दोनों का ही डिस्प्ले सेम ही है, पर Redmi 9 में आपको 6.53 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है, यहां पे पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलता है और वही स्क्वायर शेप में आपको इस बार 4 कैमरास मिलेगा, ये काफी बढ़िया है, जो Realme C11 से काफी बेहतर है। और यहां पे आपको Redmi 9 पे भी क्वाड कैमरास मिलता है, पर Redmi 9 का जो लुक है वो मुझे ज्यादा बेहतर लगा Realme C15 एंड Realme C11 से, तो कहीं ना कहीं Redmi 9 आगे जाता है। अब जो Realme C11 है इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिसिंग है, पर Realme C15 और आपको Redmi 9 पे फिंगरप्रिंट स्कैनर पीछे में देखने को मिलेगा, और जो Realme C15 है वो डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स में आएगा और Realme का एक बड़ा सा लोगो। चलिए अभी यहां पे आपको MediaTek का Helio G35
प्रोसेसर मिलता है और कहा जा रहे हैं Realme की तरफ से ये एक गेमिंग स्मार्टफोन होगा। ये सेम प्रोसेसर आपको Realme C11 में भी मिलता है पर Redmi 9 पे आपको MediaTek का जो एक अच्छा इन दोनों से अच्छा है G80 प्रोसेसर मिलता है और ये 2.0 GHz पे क्लॉक है 12 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी पे आधारित है और G52 MC2 GPU मिलता है। तो कहीं ना कहीं Redmi 9 आगे निकलता है G50 जो C15 और C11 से, पर C11 और C15 दोनों ही सेम है। अब यहां पे ये जो प्रोसेसर है 2.3 GHz पे क्लॉक्ड होगा, 3GB 64GB और 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको मिल जाएगा। डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट होगा पर यहां पे भी फिर से UMC 5.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा और वो सेम चीज आपको मिलता है कहां पे, जो Redmi 9 वहां पे यहां पे Realme C11 C15 दोनों में ही माइक्रो एसडी पोर्ट मिलता है पर Redmi 9 पे आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। बैटरी आपको यहां पे 5020 mAh बैटरी आपको मिलता है Redmi 9 पे, Realme C11 और जो C15 है आपको 6000 mAh बैटरी मिलता है, ये काफी बढ़िया है। साथ में 18 वाट का एक फास्ट चार्जर। तो यहां पर कैमरा 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2-2 करके डेप्थ एंड मैक्रो सेंसर मिलता है C15 पे और यहां पे सामने में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। वही Redmi 9 पे आपको जो कैमरा 13, 8 और 5, यहां पे 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, तो ये ज्यादा अच्छा है, 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिलता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते हो, सभी सेंसर्स यहां पे दिया गया है और यहां पे Realme का जो UI इसमें ये रन करता है Android 10 के साथ। तो C11 से काफी बेहतर है C15 नंबर 1, नंबर 2 C15 से Redmi 9 बेहतर है, पर अगर आप Realme ही खरीदना चाहते हो तो C11 मत खरीदो भाई, आपके लिए C15 काफी ज्यादा बेहतर होगा। हां गेमिंग उतना भी अच्छा नहीं होगा कंपेयर टू MediaTek Helio G80 और अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो आपके प्राइस के साथ तो Redmi 9 आपके लिए बेहतर चयन हो सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।